कठजीव, महज एक कठोर दिल ही नहीं होता, जो अपने अस्तित्व को टिकाए रखे वो भी कठजीव होता है। पलमुआ भाषा का यह शब्द अब पुस्तक बन गई है, जिसके अब एक नहीं अनेक मायने हो गए हैं। गठन के उपरांत से ही एकता, सामाजिकता और व्यावहारिकता से अलग छवि गढ़ चुका पलामू पत्रकार परिषद ने यह साबित किया कि पलामू में सृजनात्मक पत्रकारिता बसती है। जहां कठजीव के भव्य लोकार्पण ने यह जता दिया कि पत्रकार सिर्फ कलमकार नहीं, बल्कि समाज के हर एक तबके, हर संगठन की तरह समृद्ध एवं संपन्न है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित वन विज्ञान केंद्र के सामुदायिक सभागार में वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर पाठक रचित लघु कथा संग्रह कठजीव का लोकार्पण समारोह जितना शानदार रहा, उतना ही पीपीपी की कार्य प्रणाली भी दमदार दिखा। पत्रकार स्वयंभू होता है, लोकतंत्र का एक ऐसा तत्व जो दिखता भी है, और मैं बार बार अपने साथियों साथ जिक्र भी करता हूँ, वो पत्रकार स्वयंभू है, खुद से जन्मा हुआ जनता का प्रतिनिधि है, जो चैनल भी जनता का प्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि का करते हैं, और पत्रकार जनता का वो प्रतिनिधि है जो स्वयंभू है, खुद से जन्मा है और जनता का सेवा करता है, जहां पर सिर्फ जनता के लाभ की बात होती है, अन्यथा कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि पत्रकारिता ने साहित्य में जोरदार कदम रखा है और इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाया झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, पलामू प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी, डीआईजी राजकुमार लकड़ा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार वीरेंद्र समेत पलामू के कई नामचीन लेखकों, कवियों, साहित्यकारों की गरिमामयी उपस्थिति ने, जहां अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री नामधारी ने लेखक श्याम किशोर पाठक रचित कठजीव को पाठकों के अंतर मन को झकझोरने वाला बताया, वहीं उन्होंने उधार का सिद्धांत की विशेष तारीफ की और कहा कि यह जीवन की वास्तविकता को करीब से उद्घाटित करता है। पुस्तक वास्तव में कुछ रियल जीवन की घटनाएं का जिक्र हमने भी वक्ताओं ने किया है, मैं समझता हूं कि ये अच्छी शुरुआत हुई है। क्या छोटी कहानियों के द्वारा, कथाओं के द्वारा एक संदेश देने की कोशिश करें। पुस्तक लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने लेखक को बधाई देते हुए कठजीव को एक बेहतरीन कृति बताया, वहीं डीआईजी श्री राजकुमार लकड़ा ने कठजीव की सराहना करते हुए इसे नए लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत कहा। पत्रकार के रूप में समाज में विभिन्न जो अवसर है उस पे क्या महसूस किया, उसको लघु कथा और कहानी के माध्यम से इन्होंने उसको लिखने का काम किया, और उसमें से जो कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि वीरेंद्र जी ने अभी बताया कि लघु कथा में कहानी ऐसा संवाद, कोई पात्र ऐसा है जो कि बोल नहीं रहा है लेकिन सब कुछ बोल रहा है, तो यह इनके प्रखर लेखनी का ही परिचायक है और लेखक श्याम किशोर पाठक को समाजोन्मुखी दृष्टि वाला संवेदनशील लेखक बताया, जिन्होंने समाज में छोटे भोले भाले व हाशिए के लोगों के जीवन संघर्ष को आत्मीयता के साथ कठजीव में उतारा है। जिसको इन्होंने इस कथा संग्रह का शीर्षक दिया है कठजीव। कठजीव में दातुन बेचने वाली एक लड़की, और बतौर पत्रकार या बतौर लेखक, बतौर कथाकार आपकी उपस्थिति, और एक आदमी जो ट्रेन पकड़ने वाला है, और वह दातुन का जो मोल भाव महज 3 रुपए के लिए करता है, उस क्षण को पकड़ करके जो आपने कहानी लिखी कठजीव, जिसमें यह तय करना पाठक को है, पाठक जी ने इसकी गुंजाइश छोड़ दी है कि पाठक तय करेगा असल कठजीव को, यो तो वह ग्राहक उस लड़की को कठजीव कहता है जो बोलती नहीं, पूरे कहानी को चुप मौन, अब वो बोलना जानती नहीं, बोलती नहीं, ये पाठक का, लेकिन ग्राहक रहता उस लड़की को बड़ी कठजीव, लेकिन ध्वनि निकलती है इस कहानी को पढ़ने के बाद कि नहीं, जो खरीदार है, जो
जो एक रुपए के लिए मोल भाव करता है असल में कटची वो है, लेकिन वो लड़की पूरे कहानी में बोलती नहीं। क्यों नहीं बोलती है? इसके लिए पाठक जी की एक दूसरी कहानी आपको पढ़नी चाहिए, पालनहार। पालनहार कहानी में ये एफसीआई गोदाम के बाहर जो अनाज गिर जाते हैं बोरिया से अपने आप गिर जाते हैं, गिराए नहीं जाते हैं, उनको बटोरने के लिए कुछ महिलाएं एकत्रित, कुछ लड़कियां एकत्रित, और वो जब बटोर लेती हैं तो वहां के जो अधिकारी ऐसा करने से रोकते हैं, ऐसा मना करते हैं कि तुमने इतना बटोर लिया कैसे ले जा रही। और जो संवाद होता है उस पर अगर गौर करें उस कहानी के साथ पढ़ेंगे पालनहार में, यहां पाठक जी ने बोलियों से काम लिया, यहां खड़ी बोली छूट गई। और ये ठीक बात, एक कथाकार को लग सकता है कि हम जिस बात को कहना चाहते हैं बहुत प्रभावी तरीके से वो शायद खड़ी बोली वहां चूक सकती है। इसलिए आपने देखिए पालनहार कहानी में जब कहा जाता है कि इतना तुमने अनाज बटोर लिया ये दे दो, ये नहीं ले जा सकती, और गालियां देते हैं लोग, तब उधर से जवाब क्या महिला देती है कि ना ही सरकार, ई रुआ का कर कह कह घंटा रोड बहार के और फटक चाल के इतना जमा कर ले, ई हमनी से मत छीनू माले, इसी का एक्सटेंशन यहां वो औरत बोलती है। भौतिकवादी युग में स्वाभिमान को बचाने वाला पत्रकारिता को समर्पित लेखनी का धनी कोई नाम बन गया तो वह है लालगढ़ पंजरी निवासी वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर पाठक, जिन्होंने 15 सालों के धीमे चाल से 71 लघु कथा की रचना की जो आज कटजीव के नाम से साहित्य जगत में स्थापित हो गया है, जिन्होंने अपने सामने घटित घटनाओं को कलमबद्ध कर संवेदना को सार्थक स्वरूप दिया, जिनकी उपलब्धि को उनकी माँ समेत परिवार ने भी महसूस किया कि पतला सा सांचित सामान्य वेशभूषा का इंसान समाज का एक स्तंभ है। मैं कि जो भी मैं साहित्य के क्षेत्र में छोटा सा योगदान दे पा रहा हूं या आगे कुछ कर पाऊंगा उसमें हमारे दिव्यजनों का आशीष हमेशा बना रहे, इसलिए हमारा ये प्रयास हुआ कि जब कभी हमने जो कुछ देखा उसको मैंने ये समझ कर कि नहीं कभी किताब छपेगी हमारी, लेकिन हमने ये जरूर प्रयास किया कि जो कुछ अच्छा नहीं है समाज में जो कुछ भी लोगों के नजर से अच्छा कहलाने लायक नहीं है उसको मैं इसी तरह से लोगों के बीच ला सकूं। लघु कथाओं का संग्रह कटजीव पाठकों को बांचती है, अपने वश में कर लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक कथा खत्म नहीं हो जाती। कटजीव पुस्तक को पढ़ते हुए यह एहसास आपको कई बार होगा, बार बार होगा। यह एक सफल कथाकार की विशेषता है जिसे लेखक श्याम किशोर पाठक ने कटजीव में जीवंत रूप से जिया है, जो अब आपके बीच है।